गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर के छठा एपिसोड करेंगे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेकंड करियर के बारे में, यानी फौज में रिटायर होने के बाद एक फौजी क्या कर सकता है। और इसको मदद करने के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आपको मदद कर सकता है। इस चीज के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है जनरल दीपक सापरा। जनरल दीपक सापरा, वेलकम टू गनर शॉट और वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राइट, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं जनरल दीपक सापरा और हम बहुत कर्नल लेवल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये आप डिवीजन कमांड करने के बाद और रिटायर होने के बाद 2014 में इन्होंने AWPO यानी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कमांड संभाला और 7 साल तक चले, 3 चीफ्स को देखा और तो और इन्होंने एक अच्छा किताब भी लिखा है ऑन वेलफेयर और प्लेसमेंट के बारे में। बताएंगे कहां से आपको ये उपलब्धि हो सकता है। सबसे पहले जनरल सापरा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप थोड़ा बताइए व्हाई डज अ सोल्जर नीड अ सेकंड करियर, क्यों एक जवान को सेकंड करियर की जरूरत है? थैंक यू जनरल शंकर। काफी जवान जो रिटायर हो रहे होते हैं या ऑफिसर भी जो रिटायर होते हैं, कई बार आके मुझे ही पूछते हैं, सर भगवान का दिया बहुत है, अपने घर में जाऊंगा, वहां रहूंगा, मकान बना लिया है, बेटी की शादी हो गई है, पेंशन आ जाएगी, तो सर क्यों करना है मेरे को, मतलब दोबारा नौकरी करने का क्या फायदा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर बैठेंगे, मैं अपनी हर टॉक में एक ही बात बोलता हूं, अगर आप घर बैठेंगे तो ये सोच लीजिए सवेरे 9 बजे के बाद क्या होगा, और मैं क्लियरली बताता हूं 9 बजे के बाद घर में बर्तन खड़केंगे। मैं जजमेंट का हूं और मैं ये बता दूं कि 9 बजे के बाद बुड्ढी घर में बैठने नहीं देगी, वो बोलेगी जिंदगी भर तो तू घूमता रहा हांडता रहा, अब कुछ करने को नहीं तो हुक्का गुड़गुड़ाने मेरे पास आ गया। बात नंबर एक। बात नंबर दो, एक जवान 35-36 साल की उम्र से रिटायर होना शुरू हो जाता है और हमारे 60-70% जवान करीब 40-41 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। आप मेरे को बताइए, एक मल्टीनेशनल का बच्चा कब चढ़ना शुरू करता है? 35-36 साल की उम्र में एक मल्टीनेशनल का बच्चा नौकरी की धार पकड़ रहा होता है, ऊपर चढ़ता है, जबकि हमारा एक जवान रिटायर होकर घर पहुंच जाता है तो उसके पास एक्सपीरियंस है, 15-17-20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास हिम्मत है, उसके पास जज्बा है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, एक डेडिकेशन है और ट्रस्टवर्दी आदमी है। इस किस्म का वैल्यूएबल आदमी अगर दूसरी नौकरी नहीं पकड़ता तो मैं इसको नेशनल वेस्ट बोलता हूं, अपने लिए ना सही, पैसे के लिए ना सही, लेकिन अपनी सेहत के लिए और देश के लिए आपको सेकंड कैरियर लेना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में मैं बोलना चाहूंगा कि 70 साल की उम्र एक यंग उम्र है, इट्स अ यंग एज, 70 इज अ यंग एज। 70 तक आप वैसे खींच जाओगे और 35-36-37 में गांव में बैठ के कुछ नहीं रखा। और इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है हमारी आर्मी ने, AWPO, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इसको सुन रहा है उसमें से काफी लोग रजिस्टर्ड होंगे, जो नहीं होंगे प्रोग्राम के अंत तक हम बता देंगे, आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। आप ये भी मेरे को पूछ सकते हैं कि सर एक DGR भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सर्विस लोग काम करते हैं, उसका भी हेड एक मेजर जनरल है, बट वो सर्विंग है, और वो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेलफेयर सेक्रेटरी के नीचे आती है, जबकि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्मी ने खड़ी की, क्योंकि एक मैक्सिमम रिटायरमेंट वाले लोग यहीं पे हैं, आर्मी में हैं, नेवी एयरफोर्स में भी इतने रिटायर नहीं होते, उनमें फर्क भी होता, मैं आगे आगे बताऊंगा। तो
AWPO एक सर्विसमैन का ख्याल करती है, बच्चों को भी रजिस्टर करती है, लेडीज को भी रजिस्टर करती है, विडोज को भी रजिस्टर करती है और उनको जॉब देने की कोशिश करती है। तो जो क्वेश्चन था कि नौकरी करना क्यों जरूरी है, आई विल कॉल इट नेशनल इंटरेस्ट में ही करो, अपने लिए मत करो तो देश के लिए तो करो, इतना तजुर्बा लेके वेस्ट कर रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक जेसीओ थे, केरला के थे, और नौकरी चाहिए थी घर के पास, तो वो जाकर के HDFC में या कहीं पे गार्ड बन गए। जब वो गार्ड बन गए तो एक दिन वहां के मैनेजर ने उनसे पूछा कि सर आप फौज में क्या करते थे, और उनका जवाब था साहब मैं EME में था और मिसाइल ठीक करता था। वो बंदा ऑलमोस्ट फेंट हो गया सुनकर के इतना कैपेबल आदमी और गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। इस किस्म का टैलेंट होते हुए हम उसको अगर नहीं यूज करते तो ये हमारे साथ देश के साथ नाइंसाफी। आपने बता दिया कि सेकंड नौकरी सेकंड करियर क्यों अपनाना है, और आपने ये भी बता दिया AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक जवान को मदद करेगा कि अपना दूसरा करियर शुरू करने के लिए, राइट। तो इसके लिए AWPO, सीधा सवाल पे आता हूँ, क्या क्या कर सकता है एक जवान के लिए? आपने ये भी बता दिया कि जवान के लिए ही नहीं, उसका फैमिली के लिए भी, उसके बच्चों के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, और वीर नारियों का भी रजिस्ट्रेशन होता है, और तो ये इतना बड़ा संस्था है, तो जवान इसके इसके साथ कैसे आएंगे, कैसे संपर्क रख सकते हैं, कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, और क्या क्या इनके अवकाश हैं आगे नौकरी लेने के लिए? तो सर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली कैंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन के साथ। इनके 17 नोड या सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, पुणे, उधमपुर, चंडीगढ़, हर जगह एक एक नोड है। वहां पे एक रिटायर्ड कर्नल एज अ डायरेक्टर बैठा हुआ है। इसके अलावा हर रेजिमेंटल सेंटर में एक सेल खोला हुआ है जहां AWPO का एक JCO या NCO बैठा हुआ है, वो सिर्फ AWPO का एक्सटेंडेड आर्म है और वो AWPO के पेरोल पे है, उसको ऑफिस रेजिमेंटल सेंटर में मिला हुआ है। तो जो भी जवान रिटायर होता है, हमारा एक ऑफिसर जाता है या JCO NCO जाके वहां पे रिटायरमेंट परेड में टॉक देता है, और टॉक के थ्रू उनको बताता है कि आप रिटायर हो रहे हैं, आपके लिए ये सहूलियत है। इसी प्रकार से दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर के बिहाफ पे ऑफिसर्स के लिए MD खुद जाके मानेकशॉ सेंटर में हर महीने टॉक देते हैं ऑल रिटायरिंग ऑफिसर्स को जो उस महीने में रिटायर होने वाले। अब आप बोलेंगे हम रिटायर हो गए, हमको बता दिया, व्हाट नेक्स्ट? AWPO में कुछ भी करने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के लिए हर रेजिमेंटल सेंटर में कंप्यूटर पे आपको रजिस्टर करेंगे, और वो जो रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म भर के लेगा उस फॉर्म में हर चीज लिखी होगी, आपने कहाँ नौकरी करी, कितनी नौकरी करी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कोर्सेज किए हुए हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, ये सब आपको रेजिमेंटल सेंटर में रजिस्टर हो जाएगा। AWPO पूरा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, वहां पे कोई कागज पेंसिल नहीं है। जैसे ही आप वहां पे रजिस्टर होते हैं आपका नाम ऑल इंडिया पैनल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मान लीजिए आप अंबाला के रहने वाले हैं और आप रिटायर हुए बैंगलोर से, जैसे ही आप बैंगलोर में ASC सेंटर में या कहीं भी रजिस्टर होते हैं, अंबाला के नोड में आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि आप नौकरी चाहोगे कि मेरे को घर के नजदीक मिले, तो अंबाला वाला आपका नाम नंबर पढ़ सकता है, देख सकता है, कहीं भी नौकरी आएगी उसके बारे में बता सकता है। मैं आपको एक छोटी सी भाषा में बताऊं, AWPO आर्मी का naukri.com है, जैसे naukri.com करता है वैसे ही AWPO काम करता है। फर्क यह है कि naukri.com में आपका नाम कंप्यूटर में जिसको चाहिए वो निकाल सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं मिलता। AWPO के केस में हम कंपनी वालों के पास जाते हैं, कॉर्पोरेट के पास जाते हैं, भाई आपको कैसा आदमी चाहिए? वो बोलता है सर हमारे को एक आदमी चाहिए जिसको कि ड्राइविंग भी आनी चाहिए और हो सके तो
गोली भी चला सके। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारा हर आदमी गोली चला सकता है। हम उस बंदे को कुछ और पूछते हैं तो वो बोलेगा सर मेरे को कोशिश करके आप बंदा दीजिएगा कलकत्ता के नजदीक का, हो सके तो 24 परगना का। तो हम उसमें डालते हैं बंगाल कलकत्ता 24 परगना, और 24 परगना में जितने ड्राइवर हैं, क्योंकि गोली हर आदमी चला सकता है, तो 24 परगना के जितने आदमियों की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, वो लिस्ट पे हमारा बंदा AWPO का बंदा उसके ऊपर हर जवान से बात करेगा, भाई एक ऐसी ऐसी नौकरी है, ये काम है और ये तनख्वाह मिलेगी, आप करना चाहेंगे? जब 3 से 4 लोग ये नाम हाँ कर देते हैं तो AWPO एक पैनल बनाता है और वो पैनल उस कंपनी को भेजता है। अब उस कंपनी के बंदे आपका इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे, जो रखना है करना है, इसके बाद AWPO बीच में से हट जाएगा। हमने अपना नाम उनको दे दिया। इसके अलावा AWPO में जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो टाइम टू टाइम जो वैकेंसी निकलती है वो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आती रहेगी। जितनी अच्छी वैकेंसी होंगी वो ऑटोमेटिकली वहां मिलती रहेगी कि आपके घर के नजदीक ये है, आप इसको ट्राई कीजिए। नंबर एक, यहां तक तो हो गया रजिस्ट्रेशन की बात। मैं इसी के आगे पूरा कर देता हूं क्योंकि मेरे को पता है जनशंकर भी पूछेंगे मैं रजिस्टर हो गए तो अब कहां जाऊं मैं, क्या करूं। एक वेब पेज है AWPO का, www.xarmynaukri.com। मैं चाहूंगा जनरल शंकर बाद में इसको अपने पेज के ऊपर फ्लैश करवा देंगे, वरना जो किताब दिखाई है इन्होंने उस किताब की बैक साइड के ऊपर वो दिया हुआ है। अगर आप ये वेब पेज खोलेंगे जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये सब वहां लिखी हुई है। इसके बैक पेज के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये अगर आप इस बैक पेज को देखेंगे, इनफैक्ट फ्रंट पेज के नीचे भी हमने टाइप करवा रखा है www.xarmynaukri.com। इस पेज को हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इसमें जाइए, आपको हर चीज कैसे करनी यहां मिल जाएगी। और जो वैकेंसीज बन रही हैं या जो वैकेंसीज आ रही हैं वो डेली वहां अपडेट होती है, डेली अपडेट होती है, ऑल इंडिया वैकेंसीज है। कई लोग हैं कि भाई मेरे को घर के पास नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को नौकरी जरूर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं दूर जाने को तैयार हूं। अगर बैंगलोर का बंदा मैसूर जाने को तैयार है तो मैसूर की वैकेंसी ले लो। मैं आज बता रहा हूं वैकेंसी जरूरत से ज्यादा है। हमारी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं, एक्स सर्विसमैन की कठिनाई है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उस वजह से क्या बोलूं वर्ड सेटिंग नहीं हो पाती आपस के अंदर। तो आपको रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जैसे ही आप रजिस्टर होंगे वैसे ही आप AWPO के पेज पे आ जाओगे। थोड़ी जानकारी और दे दूं, तकरीबन 50 से 55 हजार जवान हर साल, इंडियन आर्मी का जवान, मैं नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, करीब 50 से 55 हजार हर साल जवान रिटायर होता है इंडियन आर्मी से। दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, सरकार को जरूरत है क्योंकि जवान जवान लोग चाहिए, यंग ब्लड चाहिए। तो 36-37 साल से लेकर रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब 50-55 हजार रिटायर होता है बंदा, 30 से 35 हजार रजिस्टर हो जाता है AWPO के साथ। 30 से 35 हजार जवान हर साल AWPO के साथ रजिस्टर हो जाता है। जब हमारे पास इतना बड़ा डाटा बैंक है और हम कॉरपोरेट में या इंडस्ट्री में या बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं हमारा डाटा बैंक 2 लाख 3 लाख 4 लाख का है, कहता सर हमें पता ही नहीं था। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन गैप। जवान को नहीं पता मैंने कहां जाना है और कंपनी को नहीं पता मेरे को एक सर्विसमैन कहां से मिलना है। ये सहूलियत DGR के पास नहीं, DGR कंपनीज के पास नहीं जाता, ना उसके पास मैन टू मैन का डाटा है। अब आज अगर दीपक सप्रा के बारे में जानना है आप AWPO में जाइए, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं मेरा पूरा बैंक खाता वहां पे खुल जाएगा, ऑल डिटेल्स उनके खाते में मिली होती है। कई बार किसी को ढूंढना होता है तो लोग हमसे मोबाइल नंबर मांग लेते हैं कि सर जरा देखना आपके डाटा में रजिस्टर होगा, उस बंदे को ढूंढ के देना जरा, हम मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो सर रजिस्ट्रेशन का हो गया, और AWPO मोटे तौर पर कैसे मदद कर सकता है मैंने बताया। नेक्स्ट, राइट, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं ये बताना चाहता हूं कि एक जवान जब रिटायर होने वाला है वो क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपने जैसे बताया हर जवान ड्राइवर हो नहीं सकता, नौकरियां ऐसी होंगी जिसके लिए आपके पास क्षमता नहीं है, राइट। इसलिए रिटायर होने से पहले एक जवान को क्या करना चाहिए फॉर अ सेकेंड करियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप फौज में भर्ती होना चाहते थे तो आपने कोई तैयारी की थी? सारे ऑफिसर बोलते हैं यस सर आई टू कोचिंग, मैंने कोचिंग किया था और उसके बाद मैंने
फौज का एग्जाम दिया था और एग्जाम के लिए भी पढ़ाई करी थी। जवान को पूछता हूँ, हाँ साहब मैं जाता था रोज दौड़ने के लिए जाता था, आजकल एग्जाम होता है तो आजकल एग्जाम कोचिंग सेंटर भी खुल गया, मैंने भी कोचिंग ली थी। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने फौज में भर्ती होने के लिए कोचिंग ली और तैयारी करी, अब आप सेकंड करियर में जा रहे हैं जो बिल्कुल ही नई जगह है आपके लिए, क्या इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है? जस्ट बिकॉज आपके पास पेंशन है तो आप सोचते हो ठीक है यार काम तो चली जाएगा, और या आप बोलते नहीं सर कहीं ना कहीं तो लग ही जाएंगे, लेकिन अगर आप तैयारी करें तो ये आपको जॉब मिलना कोई मुश्किल नहीं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि तैयारी क्या है, मैं थोड़ा कल्चरल फर्क बता देता हूं कि सेना में और कंपनियों में या कॉरपोरेट में कल्चरल फर्क होता है। हमारे को ग्रो करते हैं आर्मी में हर चीज के लिए एसओपी होती है, आपको एसओपी के हिसाब से काम करना पड़ता है, आपको सीनियर को देख के चलना पड़ता है वो क्या बोल रहे हैं क्या चाहते हैं। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं, वहां सीनियर ने आपको बता दिया उसके बाद वो उम्मीद करता है कि आप सब कुछ खुद कर लेंगे, इनिशिएटिव आपका होगा, जिम्मेदारी आपकी होगी, आप अकेले उसको संभालते हैं। जब आप सिविल से आर्मी में आए थे तो आर्मी ने आपका सेंटर के अंदर ही पूरा डीएनए बदली कर दिया, आप एक खेतीधर थे और आपको बंदूक चलानी आ गई, अब आपको बंदूक रख के वापस सिविल डीएनए को चेंज करना है, बहुत ही मुश्किल काम है, उसमें टाइम लगता है, कल्चर पकड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं, हो जाएगा। अब आ जाए तैयारी के बारे में, कोई ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं सर इंग्लिश आए तो नौकरी लग जाती है, मैं नहीं मानता है। मैं अभी भी बोलता हूं आपको आपके स्टेट की और लोकल लैंग्वेज आती है, बहुत है। मेरे को बताइए बंगाल में अगर आपको बंगाली नहीं आती और इंग्लिश आती क्या करेंगे, और पंजाब में पंजाबी नहीं आती तो क्या करेंगे, लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हाँ दो चार चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप 10th या 10+2 करके आए थे, मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने 15 साल 17 साल 20 साल के कैरियर में हो सके तो ग्रेजुएशन कीजिए। मेरे को ग्रेजुएशन आगे बताऊंगा कि ग्रेजुएट तो आप हो, कैसे हो वो सरकार ने लिख के दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़ो, पढ़ने में फ्राई हो, आप प्राइवेट कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, एक बात। दूसरी बात, सबको व्हाट्सएप करना आता है, सबको एसएमएस करना आता है, एटीएम से पैसा निकालना आता है, लेकिन कृपया करके कंप्यूटर सीखिए। आजकल तो रेजिमेंटल सेंटर में कंप्यूटर सिखा के भेजते हैं, फिर भी पलटन में आते हैं पूछो कंप्यूटर आता है, नहीं साहब नहीं आता। भाई क्यों नहीं आता, तो तुम रिक्रूट से भर्ती कैसे हो गया, अग्निवीर कैसे बन गया, कंप्यूटर जरूर सीखिए। तीसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंग्लिश सीखते हैं कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर आपको कंप्यूटर आ गया, जितनी इंग्लिश आपको फौज में आती है उतनी बहुत है सिविल के लिए, फालतू बोलने जाएंगे तो वो बोनस है, थोड़ी सी पढ़ाई एक्स्ट्रा है और ठप्पा लगा हुआ है ग्रेजुएशन का। तो अगर मैं और आप जाएंगे, आप ग्रेजुएट है मैं 10+2, तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा, आपने सिर्फ इतनी ही तैयारी करनी है, बाकी इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू की तैयारी है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, उस किताब में सब लिखा हुआ है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, उसके अंदर तरह तरह के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। और हम लोग जो है एक छोटी सी बात मैंने इंटरव्यू में नोट करी है, हम इंटरव्यू के लिए इतना कैजुअल जाते हैं, मतलब एज इफ की मतलब मैं एक सर्विस मैन हूं तो मैं तो कैसे भी जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ, गलत बात है। जब लड़की देखने जाते हो शादी के लिए तो एकदम तुर्रा उर्रा टाइट करके जाते हो, ये मैं आपको बता दूं, एक आर्मी कमांडर थे आज से 5-7 साल 8 साल पहले, हमारे जान पहचान के जनरल केजे सिंह, वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे, इस शो पे आ चुके हैं कई बार। तो अंबाला में आर्मी कमांडर थे वो, तो चंडीगढ़ में एक कुछ मीटिंग थी एक सर्विसमैन की, जहां हमने नौकरियों के स्टॉल भी लगाए थे अंबाला में, और मैं भी वहां था और वो भी वहां थे। तो जितने भी वहां पे लोग आए हुए थे तो उन्होंने बोला, उन्होंने उनको संबोधित किया और बोला बेटा सब इंटरव्यू के लिए आए हो तो आप लोग नौकरी ढूंढने आए हो यहाँ पे, हाँ साहब नौकरी आए हो, तो उन्होंने उनको वहीं पकड़ दिया। बोलता उन्होंने फिर पंजाबी में शुरू हो गए, ओ अपने जूते देख, इन्हू पॉलिश की सी, ए तुर्रा देख, ए पगड़ी देख, पगड़ी का कलर देख, जूते का कलर देख, उन्होंने उनका वहीं पे लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया। और उन्होंने बोला भाई लड़की देखने जाते हो सच के जाते हो, यहाँ नौकरी देने आए हो तो हम तुम्हारे को लगे पड़े कि आपको नौकरी पकड़ के देंगे, कृपया करके कहते नौकरी के लिए आए हो तो वैसे ही तैयार होकर जैसे फौज में जाते हो, बकायदा शेव करो, बढ़िया पग बांधो,
एकदम बढ़िया जूते पहने, नंबर वन ड्रेस पहनो, जेसियो जेसियो तो टाई लगाओ, क्या मना है उसके अंदर में। तो ये छोटी छोटी बातें उस किताब में भी लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए तो आपको बिल्कुल तैयार होके जाना पड़ेगा कि जैसे एकदम फौज का होता है ना, अभी अभी मैं बोल दूं प्रमोशन कैडर होना है, हवलदार टू नायब सूबेदार, ऐसे 100 गज से भी सलूट पड़ता था मेरे को, राम राम साहब आती है जोर से आवाज। तो वैसे ही आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो तैयारी ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक चीजें जो आपको है बहुत आती है, और जो चीज आपकी बहुत मजबूत है उसको और कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लर्क है तो क्लर्क को अकाउंटेंसी के बारे में ज्यादा आना चाहिए। जो भी क्लर्क को लेगा इंग्लिश टाइप कर लेगा, टाइपिंग आती है, सब आती है, एक वो वर्ड होता है वो क्या, ये नो समथिंग, उसको बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, आपको वो अकाउंटिंग जो सिविल में चाहिए वो आनी चाहिए। अगर क्लर्क है आप तो थोड़ा सा आपको जीएसटी फॉर्म कैसे भरना है सीख लीजिए, नहीं है तो बाहर कोर्स चल रहे हैं छोटे छोटे से, आजकल तो लैपटॉप पे सीख सकते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बाहर काम आ जाएगी सर। राइट, इसके बाद ये मैं पूछना चाहता हूँ, एक जवान AWPO के लिए के ओर से क्या मदद मिलेगा उसको, और उसको क्या सफलता मिलने को उम्मीद है, ये मैं पूछना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले, ठीक मैं AWPO में रजिस्टर होके आई विल गेट अ जॉब, द चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब और नॉट। तो AWPO सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए खड़ा किया गया, वरना तो DGR है, आप रजिस्टर हो जाइए DGR के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। AWPO में जब आप रजिस्टर होंगे, मान के चलिए हर महीने 1, 2 या 3 वैकेंसी वो आपको देंगे ही देंगे, देंगे ही देंगे, क्योंकि उनको भी जवान चाहिए होते हैं। और अगर मैं बता रहा हूं 35 के करीब हजार रजिस्टर हो रहे हैं, तो 12 से 15 हजार हर साल का प्लेसमेंट है, करीब 30-33% का प्लेसमेंट है AWPO का। नेशनल एवरेज जो नेशनल नौकरी लगती है 20-22% लगती है, AWPO 33% तक को नौकरी लगा रहा है। वो आपको ऑफर देगा, आपको नौकरी पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पसंद है तो आप रुकिए, अगली वैकेंसी आएगी। दूसरा, ये जो हवलदार जेसीयू हमने सेंटर में बिठाए हुए हैं या कर्नल साहब डायरेक्टर बैठा है, आप उसके पास जाइए, ऑफिसर है तो किसी भी उसके पास जाइए, वो आपको कुछ बातें ऐसी बताएगा जो आपको लगता है, फौजी को तो लगता है हमें सब आता है, ऐसा नहीं होता, वो काउंसलिंग तो नहीं करेगा लेकिन आपको थोड़ा सा कंसल्टेंट के तौर पे बातें बताएगा, सर इन इन बातों का जरूर ख्याल कीजिएगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, फौज के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सर जब मैं फौज में था मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी अल्फा ग्रेडिंग, मैं फॉरेन गया, मैं वो। सिविल वाला बंदा आप में इंटरेस्टेड ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको बात करनी है उस कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर दैट कंपनी, आपको यही बात दिमाग में रख के रखनी है। वो चाहता है कि सर आप अपनी फौज को छोड़ो, मेरी बात करो ना, मेरी कंपनी की दिक्कत समझो। AWPO आपको ये सब बातें इंटरव्यू से पहले बताएगा, पहले इंटरव्यू का तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कंपनी वाला क्या पूछ रहा था। तो AWPO क्या होता है कि कंपनी वालों के पास जाते हैं, ये डायरेक्टर जितने भी हैं ये पूरा दिन घूमते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं, कॉर्पोरेट के पास जाते हैं, बैंक्स के पास जाते हैं, इंश्योरेंस के पास जाते हैं, PSU के पास, और जगह जगह जाके बोलते हैं सर कि मेरे को जवानों के लिए नौकरी चाहिए। मैं हरिद्वार गया हूं अपने बाबा को मिलने के लिए, बाबा रामदेव के पास, तो मैंने कहा बाबा जी सबसे बड़ा FMCG तो आप ही चला रहे हो, मैं करीब 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, ये मैं ओपन वीडियो में बोल रहा हूँ, आप वो जानते हैं, मैंने कहा आप बच्चों को नौकरी दीजिए। बोलते जनरल साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, गांव गांव में योगा सेंटर खुलवा देंगे, आपका जवान तो PT वाला है ही, एकदम से योगा में हो जाएगा फिट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक सर्विस में क्वालिफाइड है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव में नौकरी मिल जाएगी। प्रॉब्लम आ गई कि कहता हम 8,000 से 9,000 रुपए से सैलरी ऊपर नहीं दे सकते। मैंने कहा बाबा जी ये नहीं हो सकता, 8-9 हजार के लिए आप किसी और को ले लीजिए, मेरा इतना क्वालिफाइड जवान है, करीब मेरे को 20-22 हजार 25 हजार चाहिए, उसके नीचे नहीं आए। तो वो कहानी वहां कहते ठीक है, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, इस रेट पे भी ले लेंगे। फिर मैंने उनको अपने डायरेक्टर का नंबर दे दिया और वो 1:1 कॉन्टेक्ट करते रहे। उनको मैंने यहां तक भी कहा कि आप FMCG का मसाला ये वो सब बेच रहे हैं, आप हमारे जवानों को होलसेल डीलरशिप दे दो।
तो हमने यहां तक किया कि हर गांव में हम गाड़ियां खड़ी करवाएंगे, लेकिन तब उनके एफएमसीजी और ग्रो कर रही थी, बीच में कोरोना आ गया और मैं थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया, बट वो बड़ा पॉजिटिवली हेल्प करने को तैयार थे हर चीज के लिए। एडब्ल्यूपीओ खाली नौकरी के लिए नहीं बताता, एडब्ल्यूपीओ आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बताएगा। अगर नौकरी कर आपने अपना बिजनेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, मीडियम स्मॉल स्केल में एमएसएमई जो हमारा महकमा है सरकार का, मैं उनके सेक्रेटरी से मिला हुआ हूँ, वो कहते सर हम 5 करोड़ तक का लोन तो बगैर किसी बात के दे देंगे आपको, आप बताइए आप प्रोजेक्ट लेके आइए। तो ये बातें भी हमारे जवानों को बताई जाती है, जब वो सेंटर में जाते हैं तो हम टॉक देते हैं, बताते हैं कि भाई ये भी एक जरिया है आपके पास, आप अपना काम शुरू कीजिए। कई जवानों ने अभी रिटायरमेंट के बाद सीड एंड पेस्टिसाइड की दुकानें खोल ली अपने अपने गांव में, बीज बेचते हैं और कीटनाशक दवाइयां बेचते हैं, और इसके लिए पैसा उनको एमएसएमई से मिलता है और वो लोन इतना सस्ता है कि, और मैंने उसको पूछा अगर डूब गया तो, कहता सर आप लोग फौजी आदमी है डूबने कहां दोगे, लेकिन अगर डूब गया और जेन्युइनली डूब गया तो गवर्नमेंट के पास में तरीका है कि आपके लोन को माफ करवा सकते। तो एडब्ल्यूपीओ के पास जाएंगे आपको तरह तरह की बातें बताएंगे। अभी भी मेरे को लोग कॉल करके बातें करते रहते हैं, ठीक है उनसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, ताकि उनका कुछ ही किसी भी तरीके से भला हो सके सर। राइट, तो आपने पहले बताया था कि जवानों के अलावा आप उनके बच्चों के भी रजिस्टर करते हैं, उनके वाइफ्स को भी रजिस्टर करते हैं, वीर नारियों को भी रजिस्टर करते हैं, तो इसमें मेरा दो सवाल है, इनके लिए क्या मदद करता है AWPO? नंबर दो, क्या आगे जाके आप देखते हो कि अग्निवीर को भी ये मदद मिलेगा? मैं इसका आंसर दो पार्ट में दूंगा सर, अग्निवीर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। विडोज, मैं विडोज को विडो कैटेगरी नहीं मानता हूं, उनको मैं लेडीज कैटेगरी या डिपेंडेंट मानता हूं। तो डिपेंडेंट के लिए उनको रजिस्ट्रेशन पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट है, जवान के लिए हम 300 रुपया लेते हैं क्योंकि नो लंच इज फ्री, मैं किसी भी चीज की मुफ्त के हक में नहीं रहता हूं कभी भी। 300 रुपया आज से 12 साल पहले दे रहे थे, आज भी 300 रुपया ही लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ बिग, कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, लेकिन उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। होता क्या है कि LIC वगैरह, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर वगैरह, ये लेडीज और बच्चों को ज्यादा चाहते हैं। तो जब HDFC के पास मैं गया और उनके हेड से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बोला फैसिलिटेशन ऑफिसर्स के नाम से हम एक वैकेंसी खड़ी कर रहे हैं, और हम, मैं बात कर रहा हूँ करीब 4 साल पहले की। तो HDFC ने ग्रेटर नोएडा मैनेजमेंट कॉलेज से करीब 20-25 बच्चों को उठा लिया उस टाइम पे 30 से 35 हजार 40 साल की सैलरी के ऊपर, और उन्होंने HDFC ऑल इंडिया में लगा दिया। मैं आज भी कई कंपनी के साथ कंसल्टेंसी जब करता हूं तो उनको वहां भेजता हूं और वो बच्चों को ले रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कंपनी ने 6 बच्चे और ले लिए, तो ये बताते हैं कि हमारे पास बच्चे भी हैं और कंपनियां एक फौजियों के बच्चों को लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दे रियली वॉन्ट देम, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे बच्चों में एक होलिस्टिक अप्रोच है, वो बच्चे की वैल्यूज बहुत अच्छी है। हमारा जो बच्चा है वो कुर्सी पे तब तक नहीं बैठेगा जब तक बॉस नहीं बोलता कि बैठ जाओ, सिविल के अंदर होगा तो आगे थप से बैठ गए ना, ये वैल्यूज उनको बड़ी काम आती है। और जितने भी बैंकिंग सेक्टर है ये बच्चों को उठाना चाहते हैं, डिपेंडेंट्स को उठाना चाहते हैं, लेडीज को उठाना चाहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आजकल बहुत अच्छी स्कीम्स आ गई हैं जो कि लेडीज को भी पता होनी चाहिए। तो उन्होंने जलंधर में 8 विडोज को, नॉट विडोज और डिपेंडेंट्स को, उनमें से 2 विडोज थी, इनफैक्ट ऑफिसर की वाइफ भी विडो थी, उनको लिया। उनका सिर्फ काम यह था पंजाब में आना जाना, वो सब लेके जाएंगे, सब फैसिलिटी देते हैं। और उनका काम था कि जहां आपका वो फैमिली वेलफेयर सेंटर होता है वहां LIC की लड़की आएगी और भाषण देगी, आप दीजिए भाषण, वो बताती है आपको ऐसा पैसा है, ये कहानी है, ये जरूरत है, ये दिक्कत है, वो हेल्प करते। तो LIC वाले इसके लिए ले लेते हैं। मॉल्स वाले जो नजदीक, अब तो मॉल बी टाउन सी टाउन की तरफ जाना शुरू हो गए, मॉल्स के अंदर बच्चियों की बहुत जरूरत है, वो बहुत, हमारी गर्ल्स आर वेरी डिसिप्लिन, उनको जरूरत है कि सेल्स गर्ल के लिए, आप कंप्यूटर आता है तो बिलिंग काउंटर पे भी चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं कि हम सिर्फ पहला कदम बढ़ा देते हैं आपका, जो एक बार हमारे थ्रू कहीं भी लग गया आप 6 महीने 1 साल के बाद कीजिए, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है और वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कंपनियों को बताते हैं, डाटा शेयर करते हैं, जिसको इंटरव्यू लेना ले सकते हैं, ऐसे कई जगह नौकरियां लग चुकी हैं। दूसरा, जब मैं एक और क्वेश्चन जाऊंगा तब बताऊंगा कि इनको कुछ और फैसिलिटीज
कैसे मिल सकती है सरकार की तरफ से। ये तो था नॉर्मल के लिए। अब आते हैं अग्निवीर पे। अग्निवीर की कहानी ऐसी है कि अग्निवीर 4 साल के बाद आएगा, 1.5 साल हो गया, 2.5 साल के करीब बच गया होगा। तो जितनी भी बातें हो रही है सब वर्चुअल है, हर बंदे की अपनी एक सोच है। अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, अग्निवीर बहुत खराब स्कीम है। भाई अभी बंदा रिटायर ही नहीं हुआ, बाहर ही नहीं आया, तो हम तो ऐसे हवा में अर्णब गोस्वामी की तरह बोल रहे हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग लेके निकल रहा है। लोग बोलते हैं सर वो एक्सीलेंट बन जाएगा। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, मेरे कोर्समेट 5 साल के बाद फौज ने थैंक यू हो गए, हमारे कोर्स का एब्जॉर्प्शन वो 38%, 100 में से 38 को रखा, बाकी सिविल में चले गए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा उसमें से एक भी बंदा एक्सीलेंट नहीं बना, वो तो पढ़ा लिखा ऑफिसर था। ये अग्निवीर जो नाम आया है ये हिंदी में अभी है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन तो मेरा ख्याल 62 का उसके बाद से चल रहा है। वो तो ऑफिसर अग्निवीर घूम रहे हैं बाजार के अंदर। लोग मांगते हैं, आज की पहली डिमांड है सर कैप्टन साहब है दे दो, मेजर साहब है दे दो। मैं कैप्टन मेजर कहां से लाऊं? आजकल तो कैप्टन मेजर को रिटायर ही नहीं होता। मैं बोलता हूं जनरल साहब ले लो, कहते जनरल साहब नहीं चाहिए साहब, इनको कौन संभालेगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया। एक बार मैं कहीं कॉन्फ्रेंस में था, इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, आर्मी कमांडर्स बैठे थे। मैंने कहा सर सिविल की नौकरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब जितनी आपका रैंक ऊंचा और जितनी आपकी एज ज्यादा उतनी नौकरी कम थी। एक आर्मी कमांडर बोला कि भाई तो इसका मतलब मेरे लिए तो बाजार में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सर आपने आज तक कभी कोई ऐड देखा कि मेरे को 3 आर्मी कमांडर चाहिए? मेरे को 3 ड्राइवर तो चाहिए होते हैं, लेकिन 3 आर्मी कमांडर नहीं चाहिए, उनको कैप्टन चाहिए। तो जो अग्निवीर ऑफिसर है, एसएस ऑफिसर है, ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं 2 लाख की नौकरी में लगवा दूंगा, आप ला दो मेरे को एसएस ऑफिसर। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इसकी चैनल के ऊपर गारंटी दे रहा हूं, मिलते ही नहीं है। यही हाल अग्निवीर का होगा। वो लड़का 4 साल की ट्रेनिंग करके निकलेगा, उसको ये सर बोलना आ गया, तमीज आ गई, आएगा सेव करके सामने खड़ा होगा। ही विल बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यू वेट एंड वॉच, ही विल बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और इसके लिए कुछ पॉलिसीज हैं जो वी माइट प्रेजेंट टू होम मिनिस्ट्री लेटर ऑन, कि उनको हमने एब्जॉर्ब कैसे करना है। CISF के अंदर बनाया जा रहा है कि 35% vacancies दी जाएंगी बाहर। मैं सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी एजेंसी खड़ी कीजिए, अग्निवीर को ले लीजिए, ये एयरपोर्ट पे GMR है, ये सब आपके लड़के उठा लेंगे, 100% एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आपको गोली चलानी आती है भाई, आपको डिसिप्लिन आता है, और आपकी उम्र क्या है? 20-21 साल। 21 साल में सिक्योरिटी के लिए बंदा मिलता क्या ठीक ठाक बढ़िया फिट सा? ठीक है, सो अग्निवीर इज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग। यस, अब आने के बाद क्या होगा, मैं भी वर्चुअल बातें कर रहा हूं, लेकिन यस देयर आर स्कीम्स अवेलेबल जहां पे अग्निवीर 1 मिनट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा क्या फायदा है शायद गवर्नमेंट को हम जब और बताएंगे, या जब अभी जन शंकर से और डिस्कशन होगा उसमें मैं बताऊंगा अग्निवीर कैसा रोल प्ले कर सकते हैं। सर राइट, मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये है कि आपने बोल दिया आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, DGR के बारे में आपने जिक्र किया है, ये पूरा कहानी में गवर्नमेंट क्या कर रही है सेकंड करियर के लिए? गवर्नमेंट का तो इनका जिम्मेवारी है। मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। जो आता है यही पूछता है सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमने तो देश के लिए इतनी सेवा करी, खून बहा दिया, सरकार क्या कर रही है। मैं भी यही पूछता था जब मैं MD बना, पहला चीज मैंने पूछा What is the government doing for us? फिर मैंने किताबें खोली, फिर मेरे को मालूम पड़ा भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। अब मैं गवर्नमेंट को ढूंढूं, गवर्नमेंट तो हवा है, देयर इज नो गवर्नमेंट। आपको ऑफिस ढूंढो, किसमें जाओ, क्या करो। जब मैं मिनिस्ट्री के ऑफिस में गया और मैंने किताबें खोली और पुराने पन्ने खोले, आपको जान के हैरानी होगी कि तकरीबन हर साल 70,000 से 80,000 वैकेंसीज गवर्नमेंट रिलीज कर रही है हमारे लिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये अपने आप में। 70,000 से 80,000 में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। ये रिजर्व कोटा है, रिजर्व कोटा है हर स्टेट में, मेरा ख्याल छोड़ के 4 स्टेट। दिस कैन बी अ डिबेटेबल इशू इन द मीडिया। बिहार में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा नहीं है, झारखंड में कोटा नहीं है,
मेघालय में कोटा नहीं है और एक स्टेट और शायद केरला में कोटा नहीं है, मैं केरला के पहले शायद, लेकिन मेरा ख्याल वहां कोटा नहीं है। इन चार स्टेट्स में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा नहीं है, बाकी हर जगह कोटा है। तो मैंने कहा भाई कोटा है तो आप ले लीजिए। वो कहते हैं जनरल साहब ऐसे कैसे ले लीजिए, हर आदमी ऐसे घुस जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। 2014 से एक स्कीम आई थी कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे आपको ड्राइवर बनना है, चाहे कुछ बनना है, चाहे पीएनबी बनना है, तो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये एग्जाम कंप्यूटर पे होता है, इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कोई भी बंदा इस एग्जाम को इजीली पास कर सकता है। एग्जाम के बाद कोई इंटरव्यू भी नहीं है, पास तो पास फेल तो फेल, और आपके घर में चिट्ठी आ जाएगी। और ये मैं आपको ऑल इंडिया बता रहा हूं, अगर आप आज जाइए ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास कि सर मेरी नौकरी लगवा दो, वो बोलेगा भैया टेस्ट दे दिया तो आ जाओ। तो आप बोलोगे सर ये तो फिर कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे फर्क शुरू होता है, फर्क शुरू ये होता है कि आपका एक एक्स सर्विसमैन कोटा है। एक एग्जाम होता है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जितने भी ये लोग बैठे हैं जो क्लर्कल जॉब करते हैं या अंडर सेक्रेटरी वगैरह है, अंडर सेक्रेटरी वगैरह लोअर लेवल पे, ये सब SSC एग्जाम के थ्रू आते हैं। बैंक्स का एग्जाम है, इनकम टैक्स का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, हर एक का एग्जाम वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक पेपर होगा जनरल नॉलेज के बारे में, एक होगा कंप्यूटर के बारे में, कोई मैथ्स के बारे में, और सिंपल सिंपल, ठीक है। मैं बोल रहा हूं 70 से 80 हजार वैकेंसी है और हम मुश्किल से 1 से 2% वैकेंसी भी कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भर्ती कैसे होना है। पहले होता था इंटरव्यू में गए, अगर मेरे को आप पसंद आ गए, चेहरा अच्छा लगा, तो मैंने हाँ कर दी, वरना आपको आउट कर दिया, भाई बंदी होगी, जात बरादरी हो गई, ये सब कंप्यूटर में खत्म हो गया और एग्जाम सिर्फ कंप्यूटर में होता है। अब आप बोलोगे सर अगर ये एग्जाम कंप्यूटर में होता है तो मेरे को क्या क्या फायदा है। आपके फायदे ऐसे हैं कि नॉर्मल आदमी को पास करने के लिए, मेरिट में आने के लिए 70 से 80% चाहिए, आपको सिर्फ 33% नंबर चाहिए, सिर्फ 33% नंबर चाहिए पास होने के लिए। मैंने तो बीइंग फ्रॉम झारखंड, मैंने तो ये भी बोला भैया तुम एक काम करो, जितने भी सी वाले डब्बे हैं ना वो गोले सब सी में टिक लगा दो, 33% तो हो ही जाएगा। कहता नहीं सर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम वहां फंस गए। दूसरी बात, अब वो बोलता है सर मेरी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मैं तो 10th पास हूं। हम में से बहुतों को 99% को ये नहीं पता कि जवान की नौकरी के लिए अगर आप 10th क्लास पास है, जो कि आजकल हर जवान है, और आपने 15 साल नौकरी की है, दोबारा बोलता हूं, अगर आप 10th क्लास पास है और 15 साल नौकरी की है, तो सरकारी नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएट माना जाएगा। तो जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं आप बैठे बैठे ग्रेजुएट बन गए। अब आती है दूसरी बात, सर मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, सरकार का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, सब ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर लिखा हुआ, जिसको चाहिए ले सकता है हमारे से। आपकी जो उम्र आज है, मान लीजिए आप 42 की उम्र में आप रिटायर हो गए, जो भी आपकी उम्र है उसमें से आप 15 साल माइनस कर दीजिए, जो आपकी उम्र बनती है वो आपकी एग्जाम के लिए एज मानी जाएगी, तो आप अचानक से 27 साल के हो गए। तो जवान जो 40 साल में रिटायर हुआ वो तो 25 साल का हो गया, अचानक से आप 25 साल के ग्रेजुएट बन गए आज। ये बात नहीं पता, जो लोग सेंटर में भाषण सुनते हैं उनको ये बातें मालूम पड़ जाती है। तीसरी बात, आंध्रा यूनिवर्सिटी से मेरे को अगर मैं गलत नहीं हूं 2021 में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया है, और आपकी क्वालिफिकेशन और कोर्सेज को देखते हुए अब आपको मेरा ख्याल आंध्रा यूनिवर्सिटी से प्रॉपर ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। मैं सारी बातें यहां नहीं बताऊंगा, कृपया करके गूगल पर जाइए और खुद पढ़िए, थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, बहुत अच्छा होगा, उससे आपको सारी बातें वहां मालूम पड़ जाएंगी, वेब पेज पे सब लिखा हुआ मिलेगा। जब ये बातें हो जाती हैं, मैं सरकारी नौकरी के साथ एक और बात बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सिविल का एक पॉइंट छूट गया था, जलशंकर ने पूछा था हमें तैयारी क्या करनी चाहिए, कृपया करके 3 चीजें और कर लीजिए, हो सके तो हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, इसके ऊपर मैं 1 मिनट बाद में बात करूंगा, एक गन लाइसेंस जरूर ले लीजिए, और तीसरा पासपोर्ट बनवा लीजिए रिटायरमेंट से पहले, पासपोर्ट, गन लाइसेंस और हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस,
हिंदुस्तान का पूरा ट्रेड आगे आगे ट्रकों के थ्रू होगा, हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं और ड्राइवर नहीं मिल रहे, और ड्यूटियां भी आजकल सरकारी तौर पे 8-8 घंटे की हो गई है। वापस आता हूं सरकारी नौकरी के ऊपर, इसको दूर करने के लिए AWPO एक कोर्स चलाता है हर रेजिमेंटल सेंटर के अंदर। उस सेंटर के लिए हमने एक बच्चे को पकड़ा, वो IPS से निकला हुआ है, वो रेजिमेंटल सेंटर में कोर्स चलाता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आप सिर्फ अटैचमेंट पे आते हैं, सेंटर में रहते हैं, वो आपको 4 महीने में ट्रेनिंग कर देगा और उसका प्लेसमेंट करीब 48-50% प्लेसमेंट है। आप एग्जाम देते रहिए, जैसे ही कोर्स शुरू होता है वो आपको एग्जाम में बिठाना शुरू कर देता है। करीब 5 जगह 5 सेंटर्स में आज भी कोर्स चल रहा है, चीफ ने उनको बुलाया है और बॉम्बे सैपर में उसका कोर्स अभी भी चल रहा है। तो जगह जगह ये कोर्स चल रहा है, पता कीजिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट नौकरियां हमारे लिए कितनी है और कितनी आसान है। और अगर आप 10th क्लास पास है तो एक वैकेंसी होती है, उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। गवर्नमेंट में आजकल PN नहीं होता, ड्राइवर सब इन्होंने नाम चेंज करके मल्टी टास्किंग का एग्जाम होता है, जिसकी की क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम आप जरूर दीजिए, मैं बता रहा हूँ आप सब पढ़े लिखे हैं, इसमें आप आराम से क्लियर करेंगे। सब इस पहले कोर्स के बाद ही 6 सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो गए। सब इंस्पेक्टर 1 साल के बाद बोलता साहब मैं तो जेल का थानेदार बना दिया मेरे को, उसने जेलर बन गया वो चेन्नई के अंदर, इमेजिन। तो अपने गांव के पास अपने घर के पास उसको ये नौकरी मिलती है। इसके लिए आप AWPO की वेबसाइट पर फिर जाइए और फिर आप उसको समझिए और वो कोर्स जरूर कीजिए। आपको उस लड़के का नंबर चाहिए, उस लड़के का नंबर भी AWPO आपको दे देगा। थैंक्स अ लॉट, आज के लिए आपने इतना विस्तार में बता दिया कि AWPO क्या कर सकता है एक जवान के लिए एक सेकंड करियर अपनाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो या गवर्नमेंट सेक्टर क्यों ना हो, और क्या प्रिपरेशन करना है। और ये अच्छी बात आपने बताया कि हर सेंटर में और हर स्टेट में AWPO के सेल्स हैं, जहां एक आदमी जाके 1-to-1 फेस टू फेस भी बात कर सकता है और संपर्क रख सकता है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए एक आर्टिलरी का जवान है, वो रिटायर होके कुनूर में सेटल हो गया, क्या वो मद्रास रेजिमेंट सेंटर के AWPO सेल में जाके बात कर सकता है और संपर्क रख सकता है, या सिर्फ वो रेजिमेंट के लिए? तो सर ऐसा है, ये ज्योग्राफिकल एरिया ढंग से बांटा गया है कि पूरा इलाका कवर हो जाता है उसके अंदर। सो कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, उनका पूरा मद्रास सेंटर में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उनका चेन्नई में हो सकता है, उनका कोयम्बटूर में हो सकता है, उनका त्रिवेंद्रम में हो सकता है, उनका हैदराबाद में हो सकता है, जगह जगह लोकेशन है। सवेरिया हेडक्वार्टर्स के अंदर भी हमने सेंटर खोले हुए हैं, तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम के अंदर भी सेंटर है अलग से उसके लिए AWPO का, बहुत अच्छा, वहां पे एक ऑफिसर भी बिठा रखा है। तो जगह जगह जाके रजिस्टर हो सकता है, आप वो सब मत कीजिए, आप वेब पेज पे जाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। पूरा डिटेल्स जो है ये हैंडबुक में दिया हुआ है, और नीचे देखिए naukri.com army.naukri.com, तो इसमें जाइए, आप इसमें ढूंढिए आपके लिए क्या लागू है। आजकल तो सब वेब पेज चलाना जानते हैं, ऐसे कोई नई चीज नहीं है, आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। या प्लीज एक छोटा सा पॉइंट क्लोज करने के पहले, लाइटर बोर्ड में है, जजमेंट का है, हमने ये किया, सरकार ने ये किया, AWPO ने ये, आपने अपने लिए क्या किया? कृपया करके ये मत सोचिए कि नौकरी आपके घर में आएगी, थोड़ा सा तो हिलना पड़ेगा, पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके पास है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या। मेरा पलटन का जवान मेरे पास आया मथुरा के पास, साहब नौकरी लगवा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, कहाँ रहता है? साहब मैं मथुरा में, इतना दूर यहाँ पे रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी मथुरा रिफाइनरी में जान पहचान है, मैं उनसे बात करता हूँ, आप कल इंटरव्यू के लिए चले जाना उनके पास में। थोड़ी देर बैठा रहा, ये कप ऑफ टी विद मी, चाय भी पी ली, सब कुछ हो गया, और ऐसे नाल लटका के बैठता है जाटो में ऐसे करके। मैंने कहा भाई तू ऐसे गर्दन गिरा के क्यों बैठा है? साहब वो तो ठीक है, आपने बोला तो लग तो जाएगी, लेकिन रिफाइनरी तो मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा मेरे बच्चे, फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं रिफाइनरी को बोलता हूँ कि थोड़ा तेरे घर के नजदीक खिसक जाए। भाई थोड़ा तो हिलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल लेके गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हो, नौकरी पे नहीं जा सकते।
दिल्ली के अंदर हर मेरे का ऑफिसर मेरे को लगता है 20-25 किलोमीटर तो ऐसे खींच देता रख करके। तो कृपया करके थोड़ा हिलिए हिलिए, मिल जाएगा, हो जाएगा, ऑल योर्स। राइट, आई थिंक आपने बहुत अच्छा बात किया है। मैं आप सब लोगों को अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैंने रिटायर किया, मेरे को किसी ने नौकरी नहीं दिया, मेरे को जाना पड़ा IIT में और बोला कि भाई मैं हूँ, अगर आप चाहते हो तो। फिर उन्होंने बोला, हाँ यार हमें तो पता ही नहीं, आप DG आर्टिलरी हो, आपको मिसाइल जानते हो, आप सारे तोप सीख लिया, तो आप एरोस्पेस डिपार्टमेंट में आके प्रोफेसर बन जाओ। तो सिर्फ पहल की जरूरत है, राइट। अगर आपको सेकेंड करियर चाहिए तो इसके लिए AWPO भी है, DGR भी है, गवर्नमेंट भी है, ये तीनों चीज का फायदा उठाइए और खुश रहिए। इसके साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू जनरल दीपक सापरा फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड गिविंग दिस वैल्यूएबल एडवाइस। इतना कीमती एडवाइस सबको दिया है और आई एम श्योर जो भी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे उनको काफी फायदामंद होगा।